राजा का जो महल था, हाँ। उसको दर्शाया गया है हाँ। इसमें तो यह है कुछ बिहार का हाँ। लोग अंदर आते हैं, अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो सर बताएंगे हमें, क्योंकि जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में छुप जाती है वो ऐसे मौके पर दिखाया गया है। अब ऊपर का जो डिज़ाइन है ये ओरिजिनल डिज़ाइन है, जैसा था राजबाड़ी में उस तरह का ही किया गया है। अच्छा, तो कितना समय लग जाता है ये सब में? ये ऑलमोस्ट लग गया है हम लोग का 3 मंथ्स। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो क्या कहना चाहोगे, फीडबैक क्या देना चाहोगे यहाँ के मेंबर को? बहुत अच्छा है, थैंक यू बोल दो। थैंक यू। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता के दुर्गा पूजा में जो पंडाल बनता है वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की नज़र खासकर बंगाल में दशहरा में रहता है, दुर्गा पूजा में रहता है पंडाल को लेकर, और यहाँ का जो पंडाल है वो हमेशा चर्चा में बना रहता है। पिछले बार बुर्ज खलीफा, इस बार भी कई सारे पंडाल हैं जो चर्चा में है। हमारे साथ सर, आपका नाम? मेरा नाम शुद्धजीत रॉय। और आप मेंबर हैं? मैं यहाँ का एक मेंबर हूँ जी। तो ये जो इस बार हम लोग का जो थीम है वो हाँ। है फिरे देखा, मतलब होता है कि हम लोग पुराना चीज़ को फिर से हाँ। नया सिरे से देखने का कोशिश करते हैं। तो ये जो मॉडल है ये है महिषादल राजबाड़ी, ये बंगाल का ही एक राजघराना है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये बाहर का फेशिया बनाया हुआ है, ठीक है। और अंदर का जो है, अंदर का फिर दूसरा और एक राजबाड़ी के कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ है, वो है कुचबिहार राजबाड़ी। अच्छा, वो कौन? कुचबिहार भी एक बंगाल का ही और एक जगह का राजा नहीं थे, मतलब इट्स अ एरिया जहाँ पे ये राजमहल बना हुआ था। शुरुआत इस पालकी से करते हैं। ये पालकी क्या? पालकी ये सिंबल है हेरिटेज का, जो बंगाल हेरिटेज में बोलते हैं या फिर राजाओं का घराना के बोलते हैं, तो उसके लिए उसको दर्शाने के लिए ये बनाया गया। ये मतलब इसको बनाया गया क्योंकि पुराने दौर में तो ये पुराने दौर पे यही चलते थे। तो ये अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे, हम लोग अब आगे आ जाइए केशव भैया। तो अब इसके अंदर जाएंगे और ये एक राजा का जो महल था हाँ। उसको दर्शाया गया है इसमें हाँ। तो ये है कुचबिहार का एंट्रेंस। अब हम लोग अंदर आते हैं, अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो सर बताएंगे हमें, क्योंकि जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में छुप जाती है वो ऐसे मौके पर दिखाया गया है। आप यहाँ पे पेंटिंग, ओल्ड पेंटिंग देख सकते हैं हाँ। जिस तरह से पुरानी जगह में हम लोग यूज़ करते थे हाँ। इस तरह का कुछ पेंटिंग्स हुआ करता था। अच्छा, ये पेंटिंग स्पेशली, आप लोग इधर आ जी, ये स्पेशली मतलब करके लगाया गया? नहीं, ये करके लगाया गया है हाँ। उसको अलग से बनाया गया है हाँ। उसको करके इसको यूज़ किया गया है। ये मतलब जो पेंटिंग है वो स्पेशली करके लगाया गया है इस पंडाल में, इस पंडाल के लिए। अब आगे चलते हैं। ये ऊपर का जो डिज़ाइन है ये हाँ। कुछ बिहार राजबाड़ी का ओरिजिनल डिज़ाइन है। अच्छा, उसी का रेप्लिकेट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये जो ऊपर का जो डिज़ाइन है ये ओरिजिनल डिज़ाइन है, जैसा था राजबाड़ी में हाँ। उस तरह का ही किया गया है। अच्छा, तो कितना समय लग जाता है ये सब में? ये ऑलमोस्ट लग गया है हम लोग का 3 मंथ्स। 3 मंथ्स? 3 मंथ्स, मतलब 3 महीना लग जाता है इसको तैयार करने में, पूरा चीज़ तैयार करने में। खर्च क्या बैठता है? खर्च तो फिर बता नहीं पाएंगे ऑन माइक। ओके तो 3 महीना लग जाता है इसको पूरा तैयार करने में। और जो लोग, कई राज्य से लोग आते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी? उनका प्रतिक्रिया तो आप तो देख ही सकते हैं किस तरह का प्रतिक्रिया है हाँ। बेटर है कि आप लोग खुद इन लोग से पूछ ले कि उनका हाँ। प्रतिक्रिया क्या है। आप लोग को कैसा लगता है, फीडबैक जब मिलता है? हम लोग को तो देखिए हम लोग तो इसी के लिए बनाते हैं हाँ। कि सारे लोग आए हाँ। ये बंगाल का जो कल्चर है वो देखें, इसीलिए हम लोग इस तरह का पंडाल बनाने का कोशिश करते हैं कि सारे लोग देख सकें इसको। अब उस तरफ चलेंगे और उस तरफ दिखाएंगे। केशव जी, एक बार उधर चलेंगे हम लोग और वहाँ दिखाएंगे कि कुछ चीज़ें, कुछ तस्वीरें और हैं। थोड़ा सा इस तस्वीर के बारे में थोड़ा डिटेल बता देते हैं हमारे दर्शक को। तो अच्छा, ठीक, ये तस्वीर है हाँ, डिफरेंट टाइप के तस्वीर हैं यहाँ पर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर स्पेशली खास के पंडाल के लिए खुद से पेंटिंग किया गया है, और इस पेंटिंग करने के बाद इस तस्वीर को लगाया गया है। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि क्यों बिहार और कई राज्य, हिंदुस्तान के लगभग कई सारे राज्य से लोग आते हैं और इस पंडाल को देखते हैं? इसलिए क्योंकि यह जो पुरानी चीज़ें हैं उसको दिखाया जाता है। आप लोग से बात कर सकते हैं? क्या नाम है? प्रीतम नंदी। कहाँ से आए? बाबीपुर से। क्या है? इसका फीडबैक क्या दोगे? बहुत ही बढ़िया हाँ। वो जो कल्चरल, जो आर्किटेक्ट, जो
चीज होता है बहुत अच्छी तरह से वो दर्शन कराया है। यही है, ये मतलब हर बार देखने के लिए मिलता है। हाँ हाँ, जो भी चीज़ें इस बार बना दे रहे हैं तो सेम रिपीट नहीं, सेम कभी फिर से रिपीट नहीं होगा, फिर से नया कोई आइडिया, नया कोई थीम, नया कोई आर्किटेक्चर हम लोग सोचेंगे, सोचते हैं मतलब उसके उस पर भी काम करते हैं। उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है, रिसर्च, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही कोई भी चीज़ तैयार होता है, विदाउट रिसर्च तो आप कर नहीं पाएंगे कोई भी चीज़। तो ये जो भी क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम, आहाना, तो ये क्या है आपको मालूम है? पंडाल, मंदिर, पंडाल, पंडाल। इस पंडाल से क्या समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो क्या कहना चाहोगे, फीडबैक क्या देना चाहोगे यहाँ के मेंबर को? बहुत अच्छा है। थैंक यू बोल दो। थैंक यू। चलिए तो सर, थैंक यू मिल रहा है आपको। थैंक यू। देखिए ये बच्चे हैं जो पंडाल की तारीफ कर रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं। देखिए फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 3-4 महीने से आप लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट आता है। ये कबूतर भी मतलब कुछ अलग है। हाँ, वो भी बनाया गया है क्योंकि वो एक जैसे पुराने बिल्डिंग में कबूतर वगैरह रहते थे, तो उस तरह का एक फीलिंग देने के लिए यह सब दिखाया गया। ये झूमर जो है इसका क्या कॉस्ट होगा? इसका देखिए, ये तो हम लोग भाड़े पे लेते हैं। हाँ, तो ये तो जो इलेक्ट्रिशियन जो ये करते हैं वो देते हैं जी, तो उनका एक पैकेज होता है, उनके हिसाब से ये करते हैं। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करने से पहले बंगाल के जो भी पंडाल के मेंबर हैं उनको हमारी तरफ से भी एक बार धन्यवाद। और बिहार और कई राज्य से जो लोग आते हैं उसकी खास वजह ये है कि ये जो लोग हैं पुरानी चीज़ों को ऐसे मौके पर दर्शाते हैं और कहीं ना कहीं हमें याद दिलाते हैं कि ऐसी चीज़ें भी एक पुराने दौर में हुआ करती थी जिसको हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। एक ऐसा मौका होता है जिसके ज़रिए हम जान पाते हैं। बहरहाल आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे केशव है और मैं हूँ अमान, आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन।